Yes, students, now we'll discuss the next topic, which is pronoun. Pronoun ke baare mein hum kya jante hain? So pronoun is a word that replaces noun in a sentence. Generally, what we say about pronoun, ki this is a word that replaces noun. Hai na? Yani ye ek aisa word hai, jo sentence mein noun ke badle mein aata hai, noun ko replace karne ke liye istemal kiya jata hai. Thik hai? ये ऐसा वर्ड है जो नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. वी कैन नॉट यूज नाउन एवरी टाइम इन अ सेंटेंस फ्रीक्वेंटली, सो टू अवॉइड सच रिपीटेशन वी आर यूजिंग प्रोनाउन. है ना, ये एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल नाउन के बदले में किया जाता है, नाउन को रिप्लेस करने के लिए किया जाता है. दूसरा कि ये ऐसा वर्ड है जो नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए करते हैं, नाउन का रिपीटेशन ना हो इसलिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी मस्ट नो अबाउट प्रोनाउन दैट सम टिपिकल प्रोनाउन्स आर नॉट रिप्लेसिंग नाउन, इंस्टेड इट इज यूज्ड टू असिस्ट नाउन. कुछ ऐसे प्रोनाउन भी हैं जो नाउन को रिप्लेस तो नहीं करते हैं लेकिन उसको असिस्ट करते हैं, उसकी मदद करते हैं, उसको हेल्प करते हैं. लाइक showing some relation, asking some question, creating some wonder, इस तरह के अलग अलग चीजों को create करने के लिए भी pronoun का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, तो there are numbers of pronoun, there are different types of pronoun that we will discuss. लेकिन जो एक मुख्य बात, जो important चीज हमें जाननी है वो ये कि ये ऐसा word है जो noun को replace करता है और उसके रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. दीज आर द टू सिग्निफिकेंट थिंग वी मस्ट नो अबाउट प्रोनाउन एंड सम मोर थिंग, सम मोर इंटरेस्टिंग थिंग दैट वी नीड टू नो दैट देयर आर सम टिपिकल प्रोनाउंस लाइक रिलेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन. ये ऐसे प्रोनाउन है जो नाउन को रिप्लेस तो नहीं करते हैं, है ना, लेकिन ये नाउन को असिस्ट करते हैं, नाउन के लिए कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं. ठीक है, तो अब हम इसके बाद वो देखेंगे कि वो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है वो कौन कौन से हैं, व्हाट आर इट्स टाइप्स एंड हाउ वी अंडरस्टैंड एंड हाउ वी आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन यूज्ड इन अ सेंटेंस. ठीक है, लेट्स सी. यस स्टूडेंट, सो हियर इट इज, विल सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें अलग अलग टाइप्स को हमने लिखा है. ये है पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फैटिक, डेमोंस्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रिलेटिव, इंट्रोगेटिव, इंडेफिनिट, पोसेसिव, एक्सक्लामेटरी एंड रेसिप्रोकल. देयर आर 11 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. ऑल्दो कुछ प्रोनाउंस ऐसे हैं जिनके यूसेज बहुत कम है एंड देर आर अ फ्यू प्रोनाउंस दैट कैन बी यूज मोर फ्रिक्वेंटली लाइक पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव कैन बी यूज, डेमोंस्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव. Yes, so emphatic pronoun, demonstrative pronoun, distributive pronoun, relative pronoun, interrogative, indefinite, possessive, exclamatory and reciprocal. There are 11 different types of pronoun. इन सब के बारे में हमको जानना चाहिए कि ये different pronouns क्या हैं और इनको कैसे identify कर सकते हैं. ठीक है, तो in the next video we will see the different types of pronoun and at least I can give you the example and the definitions that what are these different pronouns, right? Fine.